नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टर के बारे में कि ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर में एनजीआर क्यों यूज होता है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सपोज आप समझिए कि ये जो है वो एक इक्विपमेंट है ट्रांसफॉर्मर या तो फिर जनरेटर, क्योंकि न्यूट्रल ग्राउंडिंग जो होता है वो ट्रांसफॉर्मर एंड जनरेटर में ही होता है। तो आप सपोज समझ लीजिए कि कोई एक इक्विपमेंट है, आई रेटिंग का इक्विपमेंट है, और ये जो है इसका आर वाई बी फेजिस है, और उसका जो दूसरा एंड है उसको न्यूट्रल बोलते हैं और उसको स्टार पॉइंट भी बोला जाता है। तो गाइस, अगर ये हाई रेटिंग का इक्विपमेंट है उसको आप डायरेक्टली सोलिडली ग्राउंड करते हो, मतलब इसका स्टार पॉइंट या तो फिर न्यूट्रल पॉइंट जो है उसको आप डायरेक्टली ग्राउंड कर देते हो, तो क्या होगा कि जब भी अर्थ फॉल्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ फॉल्ट होगा, तो अर्थ फॉल्ट पॉइंट से जो फॉल्ट पॉइंट है, ये वाला अर्थ फॉल्ट पॉइंट है, वहां से लेके फॉल्ट करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट करेगा और रिटर्न आएगा आपका जो न्यूट्रल ग्राउंडिंग है वहां से लेके आपके इक्विपमेंट में दाखिल होगा अंदर। तो ये जो फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड होगा वो वेरी हाई अमाउंट ऑफ फॉल्ट करंट होगा। तो वो फॉल्ट करंट अगर आपके इक्विपमेंट में आया तो क्या होगा कि इक्विपमेंट है उसको डैमेज कर देगा, उसका वाइंडिंग है उसको डैमेज कर देगा, या तो फिर उसका कोर है उसको डैमेज कर देगा, कुछ इस प्रकार से। तो गाइस, ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टर लगाते हैं कि ऐसा ना हो इसके लिए। तो चलिए बात करते हैं कि एनजीआर कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, सपोज आप समझिए कि ये सेम इक्विपमेंट है, अब इसको हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं एनजीआर थ्रू, मतलब कि इसका स्टार पॉइंट या तो फिर न्यूट्रल पॉइंट है उसको हमने डायरेक्टली नहीं किया, लेकिन बीच में रेजिस्टर रखने के बाद इसको ग्राउंड किया। तो क्या हुआ कि यहाँ पे हमने एक रेजिस्टर कनेक्ट किया है। फिर गाइस, अगर अब अर्थ फॉल्ट होगा तो क्या होगा कि करंट तो फ्लो होगा, फॉल्ट करंट तो फ्लो होगा और न्यूट्रल में भी आएगा, जहां ग्राउंड किया है वहां पर भी आएगा, बट क्या कि ये जो रेजिस्टर है वो फॉल्ट करंट को लिमिट करेगा और इतना ही करंट जाने देगा मशीन के अंदर जितना मशीन विथस्टैंड कर सकती है। तो गाइस, ये जो अब जो आउट हुआ रजिस्टर में से जो आउट होके करंट गया मशीन के अंदर, वो इतना वो जो करंट होगा वो लिमिटेड करंट होगा और वो मशीन की वाइंडिंग या तो फिर कोर को कोई हार्म नहीं करेगा, डैमेज नहीं करेगा या फिर बर्न नहीं करेगा। तो इसके लिए हम ऑलवेज जो भी हाई रेटिंग के इक्विपमेंट होते हैं उसमें ऑलवेज रजिस्टर ग्राउंडिंग करते हैं, एनजीआर ग्राउंडिंग करते हैं। एनजीआर जो होता है उसका हम सिलेक्शन कैसे करते हैं और एनजीआर में जो रजिस्टर लगता है उसका कैलकुलेशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सिलेक्शन ऑफ एनजीआर है वो दो चीज पे डिपेंड करता है कि उसमें पहला जो है वो है सिस्टम वोल्टेज, यानी कि फॉर एग्जांपल ये जो जनरेटर है वो 11 केवी का है तो इसका मतलब कि सिस्टम वोल्टेज जो है वो 11 केवी है। सेकेंड थिंग्स गाइस, ये रजिस्टर, तो गाइस ये रजिस्टेंस जो है वो हम उस हिसाब से सिलेक्ट करते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो कुछ ज्यादा भी ना हो जाए और कम भी ना हो जाए। अगर इस रजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो वो बहुत ही ज्यादा करंट को लिमिट कर देगा और इतना कम करंट हो जाएगा कि आपकी जो रिलेज जो लगी रहती है वो सेंस भी नहीं करेगी और कोई भी प्रोटेक्शन ऑपरेट नहीं होगा। तो ये रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन जो है वो वेरी क्रिटिकल है। तो कैसे इस रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करते हैं, चलो उसके बारे में जानते हैं। तो सपोज गाइस, ये जो है हमारा जनरेटर है 11 केवी का जनरेटर है और अगर अर्थ फॉल्ट होता है और वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट किलो एम्पियर्स में फ्लो होता है, तो गाइस क्या है कि हमें सपोज जो ये आउट में जो करंट जा रहा है वो हमें लिमिट करना है, उसको हमें 100 एम्पियर तक लिमिट करना है। तो गाइस हमारे पास एक वैल्यू होगी कि हमें इसको सिर्फ जनरेटर के अंदर जो करंट है वो 100 एम्पियर तक ही आए ऐसा सिलेक्ट करना है। तो गाइस पहली चीज तो ये सिस्टम वोल्टेज हो गई और ये करंट जो हुआ वो हो गया कि लिमिटिंग करंट कितना रहेगा वो। अब चलो बात करते हैं कि रजिस्टर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो गाइस रजिस्टर की कैलकुलेशन बेसिक सिंपल ओम्स लॉ पे होती है कि वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो गाइस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट हो जाएगा। अब गाइस इसमें वोल्टेज जो है वो हम लगे सिस्टम वोल्टेज, बट कैसे सिस्टम वोल्टेज जो है वो लाइन वोल्टेज है, तो इसको फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 11,000 वोल्ट डिवाइड बाय रूट थ्री, क्योंकि गाइस यहाँ पे केवी में वोल्टेज है और इसको हम वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 के साथ 1000। तो गाइस क्या हुआ कि 11,000 वोल्टेज डिवाइड बाय फेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने रूट थ्री किया है। और गाइस ये जो करंट जो है उसकी वैल्यू हम लेंगे 100 एम्पियर, क्योंकि हमें 100 एम्पियर तक का ही करंट जो है वो जनरेटर में आने देना है। तो गाइस अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 63.58 ओम्स, यानी कि हम जो रजिस्टर यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल 11 केवी का सिस्टम है और हमें 100 एम्पियर तक का करंट जो है वो इक्विपमेंट में आने देना है, तो गाइस हमें क्या करना पड़ेगा कि 11 केवी को फेज में कन्वर्ट करके डायरेक्टली को डिवाइड कर देंगे 100 एम्पियर से, तो जो भी वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की उसको उस वैल्यू का हम रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देंगे। सो आई होप गाइस कि आप समझ गए कि रेजिस्टेंस का जो कैलकुलेशन जो होता है एनजीआर में, जो रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन जो होता है वो कैसे होता है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे टॉपिक हम आपके लिए लाते रहेंगे।